साइंस अकेडमी। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट्स। तो आज सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखेंगे हम, डेफिनेशन क्या होती है उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसी तरह फिर एसआई यूनिट की हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स और उसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस देखेंगे कि हमें उनको पढ़ने का फायदा क्या है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट को हम बेस यूनिट भी कहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद फिर लास्टली हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ हम उनके कुछ एसआई यूनिट्स देखेंगे और सिंबल्स देखेंगे। तो आए अब आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी आर एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी क्वांटिफाइबल। तो क्वांटिफाइबल का क्या मतलब है हमारे पास, मेजरेबल। तो आगे हम देखते हैं, इन अदर वर्ड एनी क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह हमारे पास पहली एग्जांपल है मास, मास को हम मेजर कर सकते हैं, बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम मास को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम को हम स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। फिर लास्टली हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में चीज़ें होती है वो होती है मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। मैग्नीट्यूड किसी भी डिजिटल वैल्यू को हम कहते हैं, जिस तरह यहाँ पर 68 लिखा है वो मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा यहाँ पर एम लिखा है, तो एम मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीटर क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर होंगी तो ही हम किसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके हम मेजर कर सकें, जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट हो। तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और इन अदर वर्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्टेड बाय पीपल अराउंड द ग्लोब। तो एक ये ऐसा यूनिट है जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है और ग्लोबली माना जाने वाला यूनिट है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यानी अगर हम किसी भी दूसरे मुल्क जाए और वहाँ पर किसी से कहे कि हमें लेंथ का यूनिट बताओ, तो कोई भी वहाँ पर आपको मीटर ही यूनिट बताएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज यूनिट है और ग्लोबली माना जाने वाला यूनिट है। हाँ, हो सकता है कोई आपको सेंटीमीटर बताए या मिलीमीटर बताए। तो यहाँ पर भी अगर आप एंड में नोटिस करें तो एम लिखा हुआ है। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर को ही। तो एंड में हमेशा ऐसा यूनिट ही यूज होगा। इससे पहले जो हमारे पास सेंटी लिखा हुआ है वो एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स हम किसी भी मैग्नीट्यूड को छोटा या बड़ा रिप्रेजेंट कराने के लिए काम आता है, जो हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स। तो एडवांटेजेस में हमारे पास पहली एडवांटेज है, फर्स्टली इट वर्क एज एन आइडेंटिटी टू एनी क्वांटिटी। तो आइडेंटिटी टू एनी क्वांटिटी का क्या मतलब है हमारे पास, कि किसी भी क्वांटिटी को वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे पास अगर कोई भी हमें कहे कि 10 मीटर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, जो बंदा है वो लेंथ के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंड में जो हमारे पास मीटर लिखा हुआ है, मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। इसी तरह अगर कोई हमें कहे कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह ही एसआई यूनिट जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी को उसका आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट व्हेन कंबाइंड विद प्रीफिक्स इज इट्स कैलकुलेशन एंड कन्वर्जन इनटू अदर यूनिट्स। यानी कि जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया, कभी भी जब हम प्रीफिक्स यूज कर लेते किसी के साथ भी, तो वो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमें छोटा दिखने में आ जाता है। तो इस तरह फिर हमारे पास कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है, उसके कन्वर्जन दूसरे यूनिट्स में करना आसान हो जाता है। तो ये फायदा है हमारे पास प्रीफिक्सेस का। तो इसको हम डिटेल में अगली वीडियोज में देखेंगे। तो आए अब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पे चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, द डिफरेंस बिटवीन ड्राइव एंड बेस यूनिट। अब बेस यूनिट आल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट को, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, बेस यूनिट भी हम कह सकते हैं, इज अ ऐसा यूनिट दैट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, दैट इज नॉट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है और वो दूसरे यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से नहीं बना हुआ, वो खुद ही एक इंडिपेंडेंटली स्टैंड करने वाला यूनिट है, जिसके कॉम्बिनेशन से दूसरे ड्राइव यूनिट बनते हैं। व्हाइल अ ड्राइव यूनिट इज अ एसआई यूनिट दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। यानी कि अगर हम इसी तरह डिफरेंट बेस यूनिट्स को जोड़ें तो हमारे पास ड्राइव यूनिट बनता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर लेंथ, तो हमारे पास लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को देखें
तो वॉल्यूम का हमारे पास ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यूब है। तो अगर हम मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मीटर क्यूब बनता है। इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट को मिला के हमारे पास ड्राइव यूनिट बनता है, यानी कि अगर जो वॉल्यूम का अगर हम यूनिट देखें तो वो ड्राइव यूनिट है। क्यों? क्योंकि वो 3 बार मीटर को जो बेस यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करने से आया है हमारे पास। मगर अगर हम मीटर को देखें तो मीटर एक खुद इंडिपेंडेंट यूनिट है जो किसी से नहीं बना हुआ, अनलाइक वॉल्यूम का यूनिट। तो चले अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके साथ साथ हम उनके कुछ ऐसा यूनिट्स देखेंगे और ऐसा यूनिट्स के कुछ सिंबल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो लेंथ का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी में मास। मास को फिर हम किस तरह, मास को हमारे पास ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम्स। किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के और स्मॉल जी से। इसके बाद है हमारे पास करंट, जिसका ऐसा यूनिट है हमारे पास एम्पियर्स, और एम्पियर्स को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे पास ऐसा यूनिट है केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्टली हमारे पास है टाइम। टाइम का हमारे पास ऐसा यूनिट होता है सेकेंड्स, और जिसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको सारे ऐसा यूनिट शो किए हैं वो सारे बेस यूनिट्स हैं। तो यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि इन्हीं सारे बेस यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से हम ड्राइव यूनिट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।